नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी, इस समय आपको नागौर जिले के भरनावा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि निम्बी से थोड़ा आगे है नागौर रोड पर, जहां पर भव्य रामदेव जी महाराज का मंदिर है, जहां पर रामदेव जी महाराज की दसवीं का भव्य मेला आयोजित हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर का निर्माण समस्त भरनावा वासियों के सहयोग से श्री सूरजमल जी जांगीर की प्रेरणा से, उनकी मेहनत से करवाए गए हैं, और प्रत्येक दसवीं और दूज के दिन यहाँ पर भव्य मेला होता है, और इस बार रामदेव जी महाराज की दसवीं पर बहुत सुंदर दिव्य मेला होने वाला है। आइए आपको मेले का अवलोकन कराने से पहले रामदेव जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर मंदिर के अंदर खड़े होकर भी आप गुंबज के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा बहुत कम मंदिर में देखने को मिलता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है रामदेव जी महाराज का ग्राम भरनावा में, जहाँ पर इस समय निर्माण कार्य भी चल रहा है, हॉल का निर्माण हो रहा है मंदिर में। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, श्री सूरजमल जी जांगीर की प्रेरणा और मेहनत से ये भव्य मंदिर भरनावा गांव में बना है। भरना में श्री रामदेव जी महाराज के मंदिर के दर्शन करने पहले हम सूरजमल जी जांगीर के निवास स्थान पर श्री गणेश जी महाराज और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। ये दिव्य दर्शन श्री ठाकुर जी महाराज के, लड्डू गोपाल जी के, श्री सूरजमल जी जांगीर जी के द्वारा भरनावा में दिव्य रामदेव जी महाराज का मंदिर बनवाए गए हैं। अब रामदेव जी महाराज की दसवीं पर हम मंदिर मेले का अवलोकन करने के लिए आए हैं। पहले ठाकुर जी महाराज के दर्शन करते हैं। ये देवस्थान है रामदेव जी मंदिर के निर्माता सूरजमल जी जांगीर के निवास स्थान का। सूरजमल जी के माताजी पिताजी श्री हरकाराम जी जांगीर झिंटावा और श्रीमती पुष्प देवी जी जांगीर, भरनावा में रामदेव जी मंदिर के निर्माता श्री सूरजमल जी जांगीर के पूज्य पिताजी स्वर्गीय हरकाराम जी जांगीर और स्वर्गीय श्रीमती पुष्प देवी जी राजोतिया, जो कि माताजी हैं। श्री सूरजमल जी जांगीर और धर्मपति श्रीमती पताशी देवी जी, आपके द्वारा भरनावा में दिव्य रामदेव जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहाँ पर भरनावा के श्री सूरजमल जी जांगीर और उनकी धर्मपत्नी पताशी देवी जी जांगीर, आपकी प्रेरणा से, आपकी मेहनत से बाबा रामदेव जी महाराज का दिव्य मंदिर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भरनावा में बना है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज का भव्य मेला है। और फिलहाल हम सूरजमल जी के निवास स्थान का दृश्य दिखा रहे हैं। सूरजमल जी के निवास स्थान से ठाकुर जी के हम दर्शन कर रहे हैं। सूरजमल जी की प्रेरणा से भरनावा गाँव में सभी भरनावा ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य रामदेव जी महाराज का मंदिर बना है, जहाँ पर मेला चल रहा है। सूरजमल जी के पिताजी स्वर्गीय श्री हरकाराम जी जांगीर और माताजी स्वर्गीय श्रीमती पुष्प देवी जी राजोतिया। आज हम सूरजमल जी जांगीर के निवास स्थान पर आए हैं, गांव में निर्मित रामदेव जी महाराज के मंदिर के मेले के अवसर पर। बाबा रामदेव जी महाराज का प्रसाद बन रहा है सूरजमल जी के निवास स्थान पर। परम भक्त हैं रामदेव जी महाराज के, आपकी प्रेरणा से, मेहनत से, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से आपने बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर बनाया है। बाबा रामदेव जी की दसवीं पर प्रसाद बन रहा है भक्तों के लिए। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं भरनावा गांव जिला नागौर से रामदेव जी महाराज के मंदिर से, बाबा रामदेव जी महाराज की दसवीं, जब बाबा रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी। बहुत सुंदर मंदिर है, इस पूरे क्षेत्र का सबसे सुंदर मंदिर, और जहाँ भव्य मेला होता है रामदेव जी महाराज का, आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और श्री सूरजमल जी जांगीर, जिनकी कड़ी मेहनत प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ, बहुत दिव्य अलौकिक दर्शन आप भरनावा गांव जिला नागौर से बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर के कर रहे हैं। साथ में हरजी भाटी, सुगना बाई, सभी के दर्शन इसमें हो रहे हैं। बहुत सुंदर दिव्य मूर्तियां हैं। बहुत श्रद्धा है सूरजमल जी की इस मंदिर के प्रति, और यहाँ पर इस समय भी गुंबज और अन्य हॉल का कार्य प्रगति पर चल रहा है। मंदिर में हनुमान जी महाराज का मंदिर है रामदेव जी महाराज के ठीक मंदिर के बाहर, साईं बाबा का मंदिर रामदेव जी महाराज के मंदिर में। पुनः हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं राम सापीर बाबा मंदिर भरनावा गांव में। और मंदिर में बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, वैसे भी कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, और रामदेव जी महाराज भी द्वारकाधीश के ही अवतार हैं।
इसलिए द्वारका रनाथ कहा जाता है रामदेव जी महाराज को। अब हम आपको रामदेव जी महाराज मंदिर बढ़ाओ में शिवालय के दर्शन करवाते हैं। ये शिवालय के दर्शन, शिव परिवार का सुंदर मंदिर है रामदेव जी महाराज के मंदिर में भंडावा में, बिल्कुल बस स्टैंड के पास है ये मंदिर। मैंने जैसा बताया था कि ये एकमात्र मंदिर क्षेत्र में है जहाँ पर मंदिर के अंदर से भी आप गुंबज के दर्शन कर सकते हैं, और ये हॉल के अंदर से हम आपको गुंबज के दर्शन करवा रहे हैं। दोनों तरफ छतरियाँ बनी हुई है, बीच में बहुत सुंदर गुंबज। ये पुनः आपको बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करवाते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज के दसवीं पर, और कुछ ही देर में श्री सूरजमल जी जांगीर सहपरिवार बाबा के दर्शन करने के लिए, ध्वजा चढ़ाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए आने वाले हैं। ग्राम भरनावा से सूरजमल जी जांगीर के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ से सूरजमल जी जांगीर अपने परिवार के साथ रामदेव जी महाराज के मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। हाथ में बाबा की ध्वजा और प्रसाद, और श्रद्धा के साथ पूरा परिवार बाबा रामदेव जी महाराज के दसवीं पर रामदेव जी मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहा है। सूरजमल जी जांगीड़े पर गांव के गणमान्य लोग मंदिर परिसर में बाबा की ध्वजा व प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। I'm gonna make it.
सूरजमल जी जागीर सहपरिवार बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर पहुंच चुके हैं पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की ध्वजा और प्रसाद लेकर। Thank you.
मैंने जैसा बताया था कि ये एकमात्र मंदिर क्षेत्र में है जहाँ पर मंदिर के अंदर से भी आप गुंबज के दर्शन कर सकते हैं, और ये हॉल के अंदर से हम आपको गुंबज के दर्शन करवा रहे हैं।
बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी का सम्मान किया जा रहा है। बरनावा के श्री सूरजमल जी जांगीड़ के पूरी परिवार को आप देख रहे हैं, बाबा रामदेव जी महाराज की
अगाध श्रद्धा है और ये मंदिर आप ही की प्रेरणा से, आपकी मेहनत से, गांव वालों के सहयोग से बनाए गए हैं ग्राम भरनावा जिला नागौर में। Thank you.
Hey,
ये था नागौर जिले के ग्राम भरनावा से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज की भव्य दशमी का भव्य मेला यहाँ पर आयोजित हुआ। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे और इस मंदिर के प्रेरक श्री सूरजमल जी जांगीर सहपरिवार यहाँ पर आए, पूजा की, बाबा की ध्वजा चढ़ाई और बहुत सुंदर और भव्य यहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज का मेला है, क्योंकि गाँव वासियों की बहुत बड़ी श्रद्धा है रामदेव जी महाराज के प्रति। और इस समय मंदिर में निर्माण कार्य भी चल रहा है, मंदिर में हॉल का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आप मंदिर के हॉल में खड़े होकर गुंबज के भी दर्शन कर सकते हैं, ये एक अनोखी बात देखने को मिल रही है। ऐसी अनसुदा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। रामदेव जी महाराज की जय।